हेलो गाइस, तो आज हमारी संडे क्यूएनए वीडियो, इसके अंदर आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में किए गए कमेंट्स की रिप्लाई इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 500 लाइक का टारगेट है, हर बार बोलता हूं बट आप लोग पूरा नहीं करते हो, इस बार पूरा कर दो कि मुझे उम्मीद है। ठीक है, पहला सवाल जो आया है सुनील कुमार एटेक्स इनका यूजर नेम है, भाई आप सारे फ़ोन कहाँ से बाय करते हो? तो भाई कुछ फ़ोन मैंने ऑफलाइन मार्केट से प्राइस किए हैं, कुछ ऑनलाइन किए और कुछ इंस्टाग्राम पेजेस, जो अभी आईफोन 12 सीरीज वगैरह है वो मेरे इंस्टाग्राम पेजेस हैं, जहाँ मैं बाय करता हूँ वो ऑफलाइन शॉप भी है उनकी और इंस्टाग्राम पेजेस पर भी हैं, तो मैं उनसे बाय करता हूँ। अगर आपको बाय करना है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करना, उनके मैं पेजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रीतम की तरफ से, लिक्विड डैमेज पक्का कवर नहीं होगा? तो हमने वीडियो बनाई थी एप्पल केयर प्लस इंडिया से रिलेटेड, जो एप्पल केयर प्लस का प्लान लॉन्च हुआ था, तो उसमें लिक्विड डैमेज इंक्लूड होगा या नहीं होगा, क्लेम कर सकते हो? तो लिक्विड डैमेज अगर आपका फ़ोन हो गया है, लिक्विड से डैमेज हुआ तो वो कवर नहीं होगा, फिजिकल डैमेज है तो आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है हमारा पीयूष की तरफ से, iOS 15 से iOS 13 पे जा सकते हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, iOS 15 बीटा से आप iOS 14 पे, तो स्टेबल वर्जन चल रहा है 14.6 पे आप जा सकते हो। रोबी रॉय की तरफ से नेक्स्ट सवाल आ रहा है, भाई आप आईफोन 8 पुराना वाला आपके पास मिलेगा? तो भाई मैं सेल नहीं करता हूँ, इंस्टा पे बहुत सारे क्वेश्चन यही आते हैं कि भाई आप सेल करते हो, क्या प्राइस है, तो मैं सेल नहीं करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा दीपक की तरफ से, आईफोन कौन सा लेना चाहिए? तो आपने एक प्राइस भी नहीं बताया और कौन सा आईफोन मॉडल, ये भी दोनों में से कुछ भी नहीं बताया है, तो सभी आईफोन्स ले सकते हो, आईफोन 6s है, आईफोन 7 है, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। ठीक है, तो आप इसी कमेंट के नीचे वापस से कमेंट कर लेना कि भैया मेरा इतना बजट है और मेरे को कौन सा आईफोन लेना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा विलास की तरफ से, जियो सिम कार्ड कभी नहीं चलेगा? तो भाई आईफोन 5s के अंदर जब हमने 2021 का रिव्यू बनाया था, एग्जैक्टली उसमें बताया था कि इसके अंदर जियो सिम कार्ड वर्क नहीं करेगा, फिर भी लोग कमेंट करते हैं भाई चलता है, तो भाई चल तो जाएगा, एग्जैक्टली उसके अंदर जियो कॉलिंग वगैरह के लिए ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो एग्जैक्टली वोल्टेज सपोर्ट नहीं करता है आईफोन 5s। नेक्स्ट सवाल है हमारा नंदन गेमिंग की तरफ से, सर मेरे पास 2500 रुपये हैं और क्या आप मुझे आईफोन दे सकते हैं पबजी गेम खेलने के लिए? मेरे पास इतना पैसा नहीं है, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो यार मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता, पहली बात तो 2500 रुपये के अंदर कोई भी शॉप वाला या कोई भी यूट्यूबर वगैरह आपको 2500 रुपये के अंदर पबजी खेलने के लिए कोई आईफोन नहीं दे सकता। ठीक है, हमें भी बाय करने होते तो एग्जैक्टली जितना प्राइस होता है उतना ही पे करना पड़ता है, तो पूरे इंडिया में क्या कोई शॉप वाला या कोई भी यूट्यूबर आपको 2500 रुपये के अंदर आईफोन नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा ड्रेन डोनट की तरफ से, ब्रो आईफोन 10 मिल रहा है 23K में, 83% बैटरी हेल्थ, आपको लेना चाहिए तो बिल्कुल आप ले सकते हो, बट आपको एकदम ब्रांड न्यू चाहिए तो 29,500 के आसपास एकदम ब्रांड न्यू डेमो पीसेस मिल जाएंगे। ठीक है, जिसकी बैटरी हेल्थ 100% के आसपास होगी, अगर आपको जानना है तो उसके लिए इंस्टा पे डीएम जरूर करना। सवाल है हमारा साहिल काले की तरफ से, आईफोन कौन सा लेना चाहिए बजट 11K to 15K? तो आपका बजट 11,000 से 15,000 के बीच में है तो उसके अंदर 6s भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, दोनों फ़ोन इजीली आपको मिल जाएंगे, तो 7 आप लोगे तो वो अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा आरके टेक्निकल की तरफ से, भाई मैंने आईफोन 7 128GB 87% बैटरी हेल्थ के साथ विदाउट फिंगरप्रिंट वर्क 11K में, डील सही है क्या? डील सही है, अगर आप एडजस्ट कर सकते हो विदाउट फिंगरप्रिंट तो ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टोरेज ऑप्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और नॉर्मली सही कंडीशन में भी लेने जाओगे तो 12K के अंदर 32GB मिलेगा और आपको 11K के अंदर 128GB मिल रहा है और चल सकता है विदाउट फिंगरप्रिंट, तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल है आफरीन शेख की तरफ से, भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, हम गरीब लोग हैं, हम खेत में काम करते हैं और हमारे साथ 2000 रुपये किसी ने ले लिए और जिससे उधार लिया है वो भी उसे चुका नहीं पा रहे, तो इन्होंने क्या किया है कि जो इंस्टाग्राम पे पेजेस वगैरह बने होते हैं लो आईफोन के, जैसे कोई आईफोन आपको 6 2000 रुपये में बता रहा है, आईफोन 11 आपको 15,000 के अंदर दिला रहा है, तो वैसे ही इनके साथ फ्रॉड हुआ है, 2000 रुपये इनसे ले लिए गए हैं और अब बोल रहे हैं कि वो वापस भी नहीं दे रहा और जिससे इन्होंने उधार लिया उसे भी चुकाया नहीं जा रहा, तो क्यों आप ऐसे सस्ते आईफोन के चक्कर में अपना पैसा वेस्ट कर लेते हो? ठीक है, बहुत से पेजेस बने हुए हैं, इंस्टा पे भी यही डीएम आते हैं, भाई इस पेज को चेक करो, इस पेज को चेक करो, एग्जैक्टली यार आपको प्राइस तो पता होना चाहिए, आईफोन 11 का प्राइस 50,000 है, मार्केट में भी अगर आप लेने जाओगे सेकंड हैंड 1 ईयर ओल्ड भी लेने जाओगे 33 से नीचे कहीं नहीं मिल सकता, तो 15,000 में कौन आईफोन दे देगा? अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आईफोन 7 प्लस भी आपको 15,000 के अंदर नहीं मिलेगा, तो कौन इंटरनेशनल पीस भी आप मंगवा दोगे ना तो भी इतना लो प्राइस में नहीं मिल सकता, चाहे दुबई से मंगाओ या कहीं से भी फॉरेन कंट्री से भी मंगाओ तो भी इतना आईफोन 11 सस्ता नहीं मिल सकता, तो फिर कैसे आप सोच सकते हो कितना आईफोन सस्ता मिल जाएगा? तो उस चक्कर में आपका अपना पैसा आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है, फिर आप फिर पछताने के सिवा कोई ऑप्शन आपको मिलता नहीं है।
फिर भी बता रहा हूँ इतने सस्ते आईफोन्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कभी भी तो इंस्टा पे डीएम करो, वहाँ मैं आपको रिप्लाई भले एक दिन दो दिन लेट मिलेगा बट रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, फ्रॉड होने से बच जाओगे। एग्जैक्टली नेक्स्ट सवाल है हमारा यूट्यूब निंजा गेमिंग की तरफ से, हाँ एस्टिमेट टाइम रिमेनिंग कैसे फिक्स करें प्लीज़ हेल्प। तो हमने 14.6 विदाउट वाईफाई अपडेट का वीडियो बनाया था तो उसके एस्टिमेट टाइम रिमेनिंग बता रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, अगर यही ऑप्शन आपको एरर आ रहा है तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाओ, नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर लो, और वोडाफोन का सिम कार्ड है तो एपीएन में जाओ और एपीएन में तीन बार www टाइप करके फिर आप ट्राई करो, हो जाएगा। जियो का यूज़ कर रहे हो तो नेटवर्क सेटिंग रीसेट करके ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा सृजन पाटिल की तरफ से, ब्रो सारी वॉच सेकंड हैंड होती है क्या? तो सेलबडी से हमने जो सीरीज 3 बाय की थी उससे रिलेटेड कमेंट करें, सारी वॉच सेकंड हैंड होती है भाई? सारी वॉच सेकंड हैंड नहीं होती है, उन पर अच्छी कंडीशन भी होती है, ब्रांड न्यू भी होती है, डिपेंड करता है आपको कौन सी चाहिए, आपको कौन सी कैटेगरी की चाहिए, तो आप उनसे कांटेक्ट करोगे तो आपको बता देंगे हमारे पास ये वॉचेस पड़ी है, ठीक है। और बाकी वॉच मेरी अभी तक भी चल रही है, मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया वॉच के अंदर। नेक्स्ट सवाल हमारा डार्क साउल इनका यूजर नेम है, व्हाट इज द बैटरी हेल्थ ऑफ योर आईफोन 7? जब हमने आईफोन 7 का बैटरी टेस्ट किया तो एटलीस्ट हमारी बैटरी हेल्थ 89 के बीच में थी, ठीक है। एग्जैक्टली अभी मुझे पता नहीं है बट 87 से 89 के बीच में ही थी। अगर आप पूरी वीडियो स्किप नहीं क्योंकि तो मैंने एग्जैक्टली उस वीडियो के अंदर बताया मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ ये है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने वीडियो का वो पार्ट स्किप कर दिया इसलिए कमेंट कर रहे हो आप। नेक्स्ट सवाल है हमारा हर्षा राम की तरफ से, वेयर डिड यू गो इट? तो आईफोन 5s के बारे में पूछा, ये मैंने सेल बडी से बाय किया था, ठीक है, 7500 के अंदर, और अभी बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा आप इतना पैसा वेस्ट करके आईफोन 5s बाय करो, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी ये फ़ोन बाय करना अभी। नेक्स्ट सवाल है हमारा रूमन की तरफ से, आईफोन 7 प्लस 4G का 5G आएगा तो सपोर्ट करेगा क्या? आईफोन 7 प्लस एक 4G हैंडसेट है और वो 5G डिवाइस नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा और ना ही एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ करेगा क्योंकि वो 4G हैंडसेट है, उसके अंदर 5G नहीं चल सकता। आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर आपको 5G मिलता है, बाकी सभी हैंडसेट जो हैं वो 4G हैंडसेट है। माइकल की तरफ से, हेल्प देयर ऑलवेज एरर विथ माइंड। तो हमने जो वीडियो बनाया था iOS 15 से iOS 14 पे कैसे जाए विदाउट एनी डेटा लॉस, तो उसके बारे में कमेंट करें इनको कोई एरर आ रहा है तो उसके लिए इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपकी हेल्प चाहिए तो फिर स्क्रीन शेयर करके मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अजय बॉय की तरफ से, आईफोन 6s के अंदर iOS 15 का सपोर्ट देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल iOS 15 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और कौन कौन से आईफोन्स का iOS 15 का सपोर्ट मिलेगा तो साइड में इमेज में आप देख सकते हैं, एप्पल ने कन्फर्म किया है, वो इमेज में यहाँ लगा दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमने एक वीडियो भी बना रखा है iOS 15 का सपोर्ट कौन से आईफोन्स को मिलेगा, वो कार्ड में डाल दूंगा वीडियो, वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा डीआर क्रिएशन की तरफ से, भाई फैक्ट्री अनलॉक्ड का कैसे पता चलेगा? तो फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन के अंदर भाई सभी सिम कार्ड चलते हैं और फैक्ट्री लॉक्ड यानी जो लॉक्ड होते हैं, कैरियर लॉक्ड होते हैं, तो उनमें क्या इशू होता है, कोई सिम कार्ड नहीं चलेगा, उसके लिए उसको बाईपास करने के लिए आर सिम या कोई चिप वगैरह एंटर करके आपको सिम कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा तब जाके वो वर्क करेगा। और इस पर फुल डेडिकेट वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, तो मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उस वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा श्वेतांक नोटियाल की तरफ से, कितने का है पड़ेगा 6s, कहाँ से लेना चाहिए प्लीज़ रिप्लाई। तो 6s आप सेलबडी से बाय कर सकते हो, फिर डेली मार्केट के आप वीडियो वगैरह देखते हो यूट्यूब पे तो आप वहाँ शॉप वगैरह पे मिल जाएगा। और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बोले इंस्टा पे डीएम करना, कोई मेरे ध्यान में जहाँ 6s मिल रहा होगा तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट सवाल है अमर रेड्डी की तरफ से, आईफोन एक्सेस 512 GB मिल रहा है इनको और 15 मंथ ओल्ड है, ओरिजिनल बॉक्स के साथ पूरा कंप्लीट है, बैटरी हेल्थ 87 है, 37 के प्राइस में लेना चाहिए? तो ले सकते हो, 37 में 512 GB काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको 512 GB नहीं 64 GB ब्रांड न्यू परचेज करना है, 36,000 या 37,000 के आसपास मिल रहा है अभी, इंटरनेशनल पीसेज है, तो अगर आपको परचेस करना है तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इंस्टा पे डीएम करना, मैं आपको एक शॉप पे सजेस्ट कर दूंगा या फिर इंस्टाग्राम पेजेस है, वो ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया डिलीवर भी करते हैं, तो अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डीएम जरूर करना। नेक्स्ट सवाल है हमारा अलन वॉकर गेमिंग की तरफ से, आईफोन 8 का प्राइस कितना है भाई? तो आईफोन 8 जो है वो तो डिसकंटिन्यू हो चुका बट मार्केट में अभी भी न्यू मिल रहे हैं, इंटरनेशनल यूनिट है, जो बाहर के यूनिट हैं इंपोर्ट करके यहाँ लाए जाते हैं, वो भी 20,000 के आसपास आपको मिल रहे हैं, ब्रांड न्यू मिलेंगे और फर्स्ट सिम कार्ड आप एंटर करोगे आपको शायद से एप्पल वारंटी भी मिल जाएगी उस पर। तो अगर बाय करना है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, वहाँ में आपको कुछ पेज है वो सजेस्ट करूँगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो, या फिर आप नहीं आ सकते हो उदयपुर राजस्थान में तो ऑल ओवर इंडिया भी डिलीवर करते हैं प्रीपेड ऑर्डर्स पे, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है हमारा माय फेवरेट की तरफ से, मुझे सिर्फ कॉल करने के लिए लेना है, क्या मैं आईफोन 6 ले सकता हूँ 2021 में? सिर्फ शौक के लिए लेना है, सिर्फ शौक के लिए लेना है तो एटलीस्ट आईफोन 6s लो, उसके अंदर iOS 15 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। 6 का बैटरी लाइफ भी काफ़ी इतना अच्छा नहीं है, 6s का भी नहीं है, बट 6s ले लोगे एटलीस्ट तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट हमारा साहिल की तरफ से, भाई कौन सी वेबसाइट से बाय करो यूज्ड आईफोन? तो भाई वेबसाइट तो यूज्ड आईफोन के बारे में नहीं बता सकता, बट कुछ पेजेस वगैरह हैं, उदयपुर राजस्थान में भी शॉप्स वगैरह हैं, अगर आप किसके आसपास नज़दीक राजस्थान से हो तो वहाँ जाके बाय कर सकते हो, या फिर उनके इंस्टाग्राम पेजेस हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, उनके नंबर पे कांटेक्ट करके आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कोई यूज आईफोन अगर उनके पास अवेलेबल, बहुत से अवेलेबल होते हैं तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा आरके टेक्निकल की तरफ से, भाई मेरे को स्लो मोशन बनाना है इंस्टाग्राम रील्स पे, तो आईफोन 6s ले लूँ? मेरा बजट 10k है, तो 10k के अंदर भाई आपको 6s ही मिलेगा, आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा असद आवान की तरफ से, भाई अगर फ़ोन ऑफ है तो ट्रैक कैसे होगा? तो फाइंड माई फ़ोन से हमने जो वीडियो बनाई थी, फाइंड माई फ़ोन कैसे आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो, तो ऑफ है तो भाई पॉसिबल नहीं है आप ट्रैक कर पाओगे, जैसे ही कोई इंटरनेट कनेक्शन से वो एक्टिवेट होगा या कोई सिम कार्ड इंसर्ट होगा, इंटरनेट ऑन होगा, तब जाके आप ट्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा AK सोनी की तरफ से, भाई बैटरी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो मैं डेटा चला जाता है? तो बिल्कुल नहीं जाता है डेटा आपका बैटरी रिप्लेसमेंट करवाते समय। नेक्स्ट सवाल है हमारा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से, भाई डिस्प्ले कैसा है? तो आईफोन AC का जो डिस्प्ले है 4 inches का है भाई, और IPS LCD डिस्प्ले है, और फुल रिव्यू चेक करना है 2021 का, आप उसके अंदर चेक कर सकते हो, हर चीज़ के बारे में उसके अंदर क्लियरली बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा माधव शर्मा की तरफ से, भाई बैटरी रिप्लेस करके फ़ोन वापस देने में कितना टाइम लेते हैं एप्पल स्टोर वाले? तो भाई ये एप्पल स्टोर वाले के ऊपर डिपेंड करता है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्क है, तो 1 दिन या 2 दिन उनके पास पार्ट्स अवेलेबल है या बैटरी अवेलेबल है, जैसे बैटरी अवेलेबल है तो आप मॉर्निंग में देखोगे इवनिंग तक मिल जाता है, ठीक है। जहाँ तक मैंने चेंज करवाया तो मेरे साथ यही हुआ है, मॉर्निंग को दिया और इवनिंग तक मिल गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बैटरी चेंज करने में। अगर उनके पास बैटरी वगैरह नहीं है फिर वो आगे से मंगवाते तो 6 days 7 days भी लग सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा नीत की तरफ से, आईफोन AC 2020 की प्राइस क्या है, बैटरी प्राइस? तो 3500 rupees है उसकी बैटरी प्राइस, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी संडे Q&A वीडियो, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।